नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वियतनाम में भव्य स्वागत, पीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दोनों देशों के बीच रक्षा और स्वास्थ्य समेत 12 बड़े समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। शाम को G20 में हिस्सा लेने के लिए चीन रवाना होंगे पीएम। कश्मीर जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक आज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। घाटी में शांति बहाली के लिए कल कश्मीर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। मानेसर प्लांट डील केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर CBI की रेड। हुड्डा पर है प्लांट के लिए जमीन की धांधली का आरोप। सेक्स सिटी कांड में फंसे संदीप कुमार को दोहरा झटका, मंत्री पद से हटाए जाने के बाद अब पार्टी से किए गए निलंबित। ओडिशा में फिर इंसानियत हुई शर्मसार, मलकानगिरी में 6 साल की बच्ची की मौत के बाद एम्बुलेंस ने बीच रास्ते में परिवार को उतारा। 6 किलोमीटर तक शव को हाथों में लेकर पैदल चला पिता। एजी से दिल्ली सरकार को झटका, 7 आपत्तियों के साथ लौटाए जाने के बाद खारिज किया न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव, कानूनी खामियों का दिया हवाला। भारतीय गेंदबाज जहीर खान की बड़ी उपलब्धि, MCC में जहीर को बनाया आजीवन सदस्य। MCC में है सम्मान पाने वाले 24वें भारतीय क्रिकेटर बने। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।